Hello and Namaste, myself Suraj Amsahu from MindMagma, and in this video we are going to continue our topic which was methane and flame safety lamp. इस topic को हम लोग चार part में divide करने वाले हैं. इसका जो first part है वो already बन चुका है. अभी ये जो है इसमें second part है. तो before we start our topic, make sure to like and subscribe our channel to get more information about mining. So let us start with our today's concept. So first, इस कंटेंट में हम लोग पिछले वाले पार्ट वन पे हमने दो चीजों को कवर किया था, जिसमें हमने मीथेन के बारे में समझा था और मेथनोमीटर कैसे काम करता है उसके बारे में. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर अबाउट एक्सप्लोजिबिलिटी कर्व. एक्सप्लोजिबिलिटी कर्व क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे. देन अबाउट मीथेनोमीटर, मेथनोमीटर के कुछ बेसिक पैरामीटर्स एंड नॉट पैरामीटर्स लाइक आई कैन से बेसिक डिटेल्स ऑफ मेथनोमीटर. नेक्स्ट इज मीथेन ड्रेनेज क्या होता है उसके लिए एक काइंड ऑफ ब्रीफ इंट्रोडक्शन. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस पार्ट. सो फर्स्ट पहला है एक्सप्लोजिबिलिटी कर्व क्या होता है. एक्सप्लोजिबिलिटी कर्व बेसिकली होता है कि हम बोल सकते हैं कि जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि मीथेन एक फॉर्मेशन जिसको हम मीथेन को बोल सकते हैं फायर डैम. फायर डैम क्या होता है, जब मीथेन और ऑक्सीजन मिक्स होते हैं तो उसका जो एक मिक्सचर बनता है उसको हम फायर डैम बोलते हैं, क्योंकि बहुत ही इनफ्लेमेबल गैस है. तो इस कावर्स डायग्राम या फिर एक्सप्लोजिबिलिटी कर्व जो है इसमें क्या हो रहा है कि इसमें यही चीज हम समझ सकते हैं कि कितना परसेंटेज ऑफ मीथेन और कितना परसेंटेज ऑफ जो ऑक्सीजन है इन दोनों का मिक्सचर कितना परसेंट में वो एक्सप्लोजिव बन सकता है या फिर एक्सप्लोजिव है या फिर एक्सप्लोजिव बनने के चांसेस है उसको समझने की कोशिश करेंगे. सो इन फर्स्ट पार्ट इट इज रीजन ए. रीजन ए इनमें से कौन सा है, ये है हमारा मे बिकम एक्सप्लोजिव. इट इज आर रीजन ए. रीजन ए में क्या लिखा है, द मिक्सचर इज नॉट फ्लेमेबल, मे बिकम फ्लेमेबल इफ फर्दर मीथेन इज एडेड लाइक टू इट व्हेन दैट पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ माइन इज सील्ड ऑफ. इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो पार्ट है यहाँ से इस साइड जा रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो लिमिट है वो ऑक्सीजन का लिमिट जो है वो हाई है, पर यहाँ पे जो मीथेन है वो यहाँ पे लो है. तो एक परफेक्ट कॉम्पोजिशन नहीं बन रहा, पर ये एक्सप्लोजिव बन सकता है अगर यहाँ पे जो मीथेन है उसका परसेंटेज थोड़ा सा या फिर मीथेन उसमें ऐड किया जाए, जैसा कि इस पॉइंट में बोला गया है. सो इट ए इज लाइक इट मे बिकम एक्सप्लोजिव व्हेन एक्स्ट्रा मीथेन इज एडेड टू इट. और ये पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ माइंड जहाँ पे सील्ड ऑफ होता है वैसे सिचुएशन में है. दैट इज आर रीजन ए. सेकेंड इज आर रीजन बी जो यहाँ पे रेड कलर में है, ये हमारा रीजन बी. रीजन बी में क्या है, ये इसको बोल सकते हैं हम एक्सप्लोजिव. एक्सप्लोजिव का मतलब कि यहाँ पे जैसा मिक्सचर है मीथेन और ऑक्सीजन का ये एक्सप्लोजिव है. एक्सप्लोजिव मतलब कि इट इज फ्लेमेबल, आग पकड़ के ये ब्लास्ट कर सकता है, ये काइंड ऑफ एक्सप्लोजिव जैसा है. यहाँ पे जो मिनिमम नोस वैल्यू, जो मिनिमम परसेंटेज है वहाँ पे है वो है 12.2% है इसका. तो इसका मतलब क्या है कि जो सबसे मिनिमम परसेंटेज जो भी है उसका सबसे मिनिमम परसेंट जिसका मिक्सचर में ये ब्लास्ट हो सकता है दैट इज 12.2% मीथेन में. तो ये चीज है हमारा रीजन बी. सेकेंड थर्ड पॉइंट इज आर रीजन सी एंड रीजन डी दैट मे एग्जिस्ट इन सील्ड एरियाज एट ऑल. ये है हमारा कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग एक्सप्लोजिव मिक्सचर इफ डायलूटेड विद एयर. दिस इज आर रीजन सी. अभी हमारा रीजन ए और रीजन सी में डिफरेंस क्या है. रीजन ए हमारा मे बिकम एक्सप्लोजिव. क्यों, क्योंकि वहां पे हमारे पास मीथेन नहीं था. अभी यहाँ पे रीजन सी में क्या आ रहा है, ये एक्सप्लोजिव बन सकता है बिकॉज यहाँ पे अगर हमको एयर के साथ मिक्सचर या फिर ऑक्सीजन के साथ मिक्सचर मिल जाए. तो ये क्या है, ये भी वैसा ही है काइंड ऑफ रीजन ए जैसे, पर रीजन सी जो है उसमें क्या होता है कि इसमें एयर की जरूरत है और रीजन ए में जो है हमारे वहां पे मीथेन की जरूरत है. तो दैट इज द डिफरेंस. सो रीजन सी एंड डी मिक्सचर दैट मे एग्जिस्ट इन सील्ड एरियाज एट ऑल, मतलब ये जो रीजन सी और डी है ये है हमारा डी. ये जो एरिया, ये जो चीजें, ये जो मिक्सचर है ये सील्ड एरियाज में पाया जाता है. एंड यू कैन सी दैट द मिक्सचर इन रीजन सी विल बिकम एक्सप्लोजिव इफ मिक्सचर इज डायल्यूटेड बाय इनकमिंग एयर एज आई टोल्ड यू. एंड नेक्स्ट इज रीजन डी, दिस इज द मिक्सचर कांट बिकम एक्सप्लोजिव. ये जो डी वाला पार्ट है इसमें क्या है कि ये एक्सप्लोजिव बन ही नहीं सकता है फर्स्ट थिंग. सो दैट वाज अबाउट ऑल द फोर रीजंस ऑफ एक्सप्लोजिबिलिटी कर्व. आई होप यू अंडरस्टूड. सो लेट अस गो टू आवर नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज अबाउट मेथनोमीटर. मेथनोमीटर के कुछ बेसिक क्या बोलते हैं प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करते हैं, बेसिक क्या क्या चीज है उसके एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट इज अ हैंड हेल्ड इंस्ट्रूमेंट, हाथ में पकड़ के हम इस मेथनोमीटर को यूज करते हैं. सेकेंड इज इट वेट्स अराउंड 0.47 kg, इसका जो वेट है. एंड थर्ड पॉइंट इज दैट इट मेजर्स मीथेन इन द रेंज ऑफ 0 to 5%. 0 to 5% मीथेन अगर है वहां पे तो ये उसको काइंड ऑफ मेजर कर सकता है कि यहाँ पे इतना परसेंटेज है
मीथेन का वहां पे अवेलेबल है. नेक्स्ट इज इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक टाइप, जैसे कि ये गिव्स अ सिग्नल व्हेन द गैस परसेंटेज रीचेस अ सर्टेन प्री डिटरमाइंड वैल्यू. मतलब ऑटोमेटिक टाइप क्या होता है कि एक सिग्नल देता है बेसिकली, और जिसमें जब ये प्री डिटरमाइंड वैल्यू का मतलब क्या होता है कि प्री मतलब पहले और डिटरमाइंड वैल्यू मतलब कुछ वैल्यू सेट कर दिए गए हैं, तो जो पहले वैल्यू सेट कर दिए गए हैं अगर उतने परसेंटेज पे हमारा गैस अवेलेबल है तो वहां पे वो एक सिग्नल प्रोवाइड मतलब एक सिग्नल देगा जिसकी वजह से हमको एक काइंड ऑफ पता चल जाएगा उसके बारे में. एंड नेक्स्ट सेकंड वन इज द एस्टिमेटिंग टाइम, जिसमें हम एस्टिमेट कर रहे हैं. तो इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है, ये काम कैसे करता है, तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज व्हिच यूटिलाइजेस द चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑन हीटिंग बाय कंबशन ऑफ CH4. जैसा कि हमने पिछले वीडियो में वर्किंग ऑफ मीथेनोमीटर पढ़ा था, तो इसको वापस एक काइंड ऑफ हम समझने की कोशिश करते हैं. तो मीथेनोमीटर में एक व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, जैसे कि आगे दो पार्ट में क्या होता है, वहां पे हमारे सैंपल होते हैं और पीछे जो है वहां पे हमारा प्योर एयर होता है. तो सैंपल इस वाले में जो मीथेनोमीटर में काम कैसा होता था कि पहले जो सैंपल लेयर में एक होता था हमारा एक्टिव, दूसरा फिलामेंट होता था हमारा डीएक्टिव फिलामेंट. तो और जब गैसेस हमारे कैप्चर हो जा रहे थे टोटल, तो जो एक्टिव फिलामेंट है उसको हम एक लेफ्ट साइड में बटन था जिसको हम प्रेस करते थे और उसके वजह से एक हीट प्रोड्यूस होता था और उससे हमें एक इंडिकेशन मिलता था हमारे इंडिकेटिंग मीटर में, क्योंकि उस फिलामेंट में जो गैस है वो हीट हो रहा है, तो उससे एक इलेक्ट्रिकल इंबैलेंस होता था जिसके वजह से हमको कितना परसेंटेज ऑफ CH4 है वो चीज हमको पता चलती थी. तो इसके ये था एक काइंड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग काम कैसे करता है. नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शनल फीचर्स क्या है इसके. सो एक इसमें क्या है, एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट है जैसा कि मैंने अभी बताया, एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है और एक बैटरी है. तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन फीचर. सो ये था हमारा मीथेनोमीटर. Let's go to our next part, which is methane drainage. Methane drainage क्या होता है? So methane drainage को हम लोग degasification भी बोलते हैं. Degasification जैसे कि नाम है कि बोल सकते हैं कि हम लोग जो गैस वहाँ पे है उसको हम निकाल रहे हैं. Basically methane को drain कर रहे हैं, drain out कर रहे हैं underground mine से. Methane क्या है? एक ऐसा कि हमने अभी तक पढ़ा है methane के बारे में कि ये एक बहुत ही flammable गैस है और ये kind of इसके weight जो it is lighter than air. मतलब तो इसीलिए वो float करके roof पे अक्यूमुलेट होने लगता है. तो उस चीज को निकालने को हम लोग मीथेन ड्रेनेज बोलते हैं. जो मीथेन अक्यूमुलेशन है रूफ से उसको हम निकाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं. तो इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग मीथेन गैस इन अ कोल सीम. इसका मतलब यही है जैसा कि मैंने बोला अभी कि एक प्रोसेस है जिससे कोल सीम में जो मीथेन गैस हमारे अक्यूमुलेट हो रहे हैं उस चीज को हम लोग निकाल रहे हैं. थर्ड इज इट एडजॉइनिंग स्ट्रेटा थ्रू वेल बोर्ड्स, ड्रिल होल्स एंड पाइपलाइंस. तो इन चीजों को निकाला कैसे जाता है, अंडरग्राउंड माइंस में अगर काम चल रहे तो ये गैसेस को सरफेस पर लाके कैसे हम निकालते हैं. तो एज यू कैन सी देयर आर थ्री थिंग्स. फर्स्ट इज वेल बोर्ड्स, सेकेंड इज ड्रिल होल्स एंड पाइपलाइंस. एज यू कैन सी हियर देयर इज सरफेस टू एनसेम प्रो ड्रेनेज वेल हियर. And you can see here pre-drainage well is there, and also here you can see that it is also here you can see that it is a gob well from where it is continuously taking out the accumulated methane gases. The methane drainage gas को ऊपर लेके वो surface पे भेज रहा है. So that is our methane drainage इन इन चीजों से हो रही है. Fourth is 1 kg of CH4 burning evolves 13,600 kilocalories of heat. मतलब इतना ज़्यादा heat चाहिए 1 kg of CH4 को बर्न करने के लिए. और 1 kg ऑफ गन पाउडर जो है वो 580 किलो कैलोरीज रिलीज करता है, बट कि जहाँ पे 1 kg ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन है वो सिर्फ 1500 किलो कैलोरीज को मतलब देता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना काइंड ऑफ एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में. सो ये था हमारा काइंड ऑफ एक मतलब मीथेन ड्रेनेज. मीथेन ड्रेनेज का बेसिकली मतलब ये जो हमारा अक्यूमुलेटेड मीथेन गैस है अंडरग्राउंड माइंस में उसको हम निकाल रहे हैं, उसको हम ड्रेन आउट कर रहे हैं. सो दैट वाज अबाउट आवर मीथेन ड्रेनेज. सो होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट. इस पार्ट में हमने एक्सप्लोजिबिलिटी कर्व के बारे में समझा, मीथेनोमीटर की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में समझा, एंड इन लास्ट वी स्टडीड अबाउट मीथेन ड्रेनेज का काइंड ऑफ छोटा सा डेफिनेशन की मीथेन ड्रेनेज में होता क्या है, कैसे होता है, उस चीज को हमने समझा और क्यों होता है. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट. इस पार्ट को हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट माइनिंग. थैंक यू फ्रॉम माइनमैन.